रिजवान। अरे वाह रे वाह रिजवान, शक्ल से तू हीरो लगता है वैसे। रिजवान रिजवान। अरे भाई क्या मुसीबत है, क्या बदतमीजी है, देख नहीं रही सेल्फियां बना रहा हूँ मैं। आपको तस्वीरों की पड़ी हुई है, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, मैं नाश्ता कहाँ से बनाऊँ? अब इसमें परेशान होने की क्या बात है, दीवार पार ही तेरी बहन का घर है, जाके चार अंडे दो चार डबल रोटियां लेकर आ जा, दो दिन गुजारा हो जाएगा। अच्छा, और दो दिन के बाद आपकी अम्मी की दवाइयां भी आने वाली है, दवाइयां भी किसी से मांगू मैं? बहुत जबान चल रही है थी। ये बातें बनाने से बेहतर था अपनी बहन से जाके 2000 रुपए उधार लेकर आती तो सारे मसले खत्म हो जाते। हाँ, इतनी देर में हम नाश्ता भी कर लेते, अम्मा की दवाइयां भी आ जाती। रिजवान, ये घर इसके अखराजात मेरी बहन की जिम्मेदारी नहीं, आपकी जिम्मेदारी है, और मैं थक गई हूँ रोज जा जा कर पैसे मांग मांग कर। मेरी जान, कौन सा मैं तेरे हाथ में कशकोल थमा कर पूरे मोहल्ले का चक्कर दिलवा रहा हूँ? हाँ, इतना शर्मा रही है तू, मोहल्लेदारी में चलता रहता है यार। एक तरफा कुछ भी नहीं होता। क्या मतलब है तेरा? मेरा मतलब सिर्फ ये कि आप अपनी नौकरी के बारे में संजीदगी से सोचें रिजवान, ऐसी जिंदगियां नहीं कटती हैं। तू पहले भी ट्यूशन पढ़ाती थी ना, पैसा कमा कमा के अपने बहनोई का पेट भरती थी, उनकी मदद करती थी, या शौहर की मदद करने में तेरे को बुखार चढ़ रहा है? रिजवान, कुछ तो ला दे कि मैं नाश्ता तो बना सकूं। चली जा यहां से, उससे पहले मेरा दिमाग शार्ट हो जाए। आउट, निकल, डिस्टर्ब कर दिया मुझे। अबे जा। एक कंगली लड़की से भी फंस गया, क्या सोचा था ये आएगी तो नोट आएगा, आयाशियां करेंगे, ये भी मेरी तरह निकली कंगली। खैर रिजवान, 8-10 सेल्फियां बनाते हैं, क्या पता मोहल्ले में कोई नई लड़की आएगी।